आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। रिम्स में सिटी स्कैन नहीं खरीदे जाने पर हाईकोर्ट की बेबसी सामने आई। चीफ जस्टिस ने मौखिक कहा कि कोर्ट के एक साल से चिल्लाने के बाद भी रिम्स में नहीं खरीदे गए मेडिकल उपकरण, कोर्ट की आवाज को गंभीरता से नहीं लिया गया, चुप्पी साधे रहे सरकार के अधिकारी। रिम्स की लचर व्यवस्था को लेकर कोर्ट के स्वतः संज्ञान की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट की बेबसी सामने आई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने मौके कहा कि कोर्ट के एक साल से चिल्लाने के बाद भी रिम्स में सिटी स्कैन मशीन सहित मेडिकल उपकरण नहीं खरीदे गए, कोर्ट की आवाज को गंभीरता से नहीं लिया गया, सरकार के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। मेडिकल इमरजेंसी का समय है, फाइलें टेबल टू टेबल चलती रहे इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार इमरजेंसी परचेज कर सकती थी। राज्य की ओर से खरीदारी तो की जा रही है, लेकिन हेल्थ से संबंधित चीजों की खरीदारी नहीं की जा रही। रिम्स में कई ऐसे मेडिकल उपकरण खराब पड़े हैं जिसकी कीमत काफी कम है। एक टेंडर के बाद दूसरा टेंडर इनमें ही सरकार के अधिकारी उलझे हुए हैं, जिससे रिम्स में मेडिकल उपकरण नहीं खरीदा जा सका है। रिम्स रेफरल अस्पताल है, पाकुड़ साहिबगंज सहित राज्य के दूर दराज इलाकों से लोग रिम्स में बेहतर इलाज के लिए आते हैं, लेकिन रिम्स की बदतर स्थिति से मरीज या तो प्राइवेट अस्पताल का रुख करते हैं या वापस लौट जाते हैं। जरूरत के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा बिना कैबिनेट के अप्रूवल के भी कई चीजों की खरीदारी पहले कर ली जाती है, फिर बाद में कैबिनेट में इसकी मंजूरी ली जाती है। लेकिन जब कोरोना महामारी के कारण राज्य में मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति है, तो सरकार रिम्स के लिए सिटी स्कैन मशीन खरीदने के लिए कैबिनेट की बैठक का इंतजार क्यों कर रही है? सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि रिम्स में सिटी स्कैन मशीन की खरीदारी के लिए रिम्स निदेशक ने प्रस्ताव स्वास्थ्य सचिव के पास भेजा था, इसे वित्त विभाग से पास करा लिया गया, अब कैबिनेट से अप्रूवल लेकर सिटी स्कैन मशीन की खरीदारी कर ली जाएगी। इसी तरह रिम्स में कई अन्य मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिए टेंडर की अंतिम प्रक्रिया चल रही है। कोर्ट ने मौके कहा कि कोरोना के प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार को जिला स्तर के अस्पतालों को काफी दुरुस्त करना चाहिए था। अस्थायी तौर पर कोरोना मरीजों के लिए जिलों में ही पर्याप्त बेड तैयार कर लेना चाहिए था। आपदा आने के पहले ही तैयारी कर लेनी होती है ताकि स्थिति को संभाला जा सके। राज्य के जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्था अगर ठीक रहती तो केवल गंभीर मरीज ही रिम्स पहुंचते, जिससे रिम्स पर मरीजों का दबाव भी कम रहता। कोर्ट ने महाधिवक्ता से पूछा कि कोरोना सैंपल की जांच के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरोना सैंपल लिए जाने के बाद मरीज की रिपोर्ट मिलने में 7 से 10 दिन का समय लग जाता है, ऐसे में संक्रमित मरीज कितने और लोगों को कोरोना फैला चुका होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस के आवास से 5 अप्रैल को 73 सैंपल लिए गए थे, उसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। इसके बाद फिर से इन कर्मियों का दोबारा सैंपल लिया गया, पता चला है कि इन कर्मियों में से एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित था। चीफ जस्टिस के आवास के कर्मियों की यह स्थिति है तो आम लोगों की रिपोर्ट कब तक मिलती होगी? कोर्ट ने मौखिक कहा कि रिम्स की ओर से कहा जाता है कि वह कोरोना सैंपल की जांच के लिए तैयार है, जबकि रांची सिविल सर्जन कहते हैं कि रिम्स सैंपल जांच के लिए नहीं लेना चाहता है। दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है, इसे सरकार को स्पष्ट किया जाना चाहिए। हरमू स्थित शवदाह में एम्बुलेंस में शवों के घंटों तक पड़े रहने के संबंध में रांची नगर आयुक्त ने कोर्ट को बताया कि हरमू के शवदाह की मशीनें अचानक खराब हो गई, इसका बर्नर खराब हो गया है, दिल्ली से टीम आ रही है, 2-3 दिनों में इसे बनवा लिया जाएगा। इसी बीच घाघरा में कई शवों को जलाया गया है। कोर्ट ने मौके कहा कि राजधानी में कोरोना मरीजों के लिए पर्याप्त बेड हो, इसके लिए होटलों प्राइवेट अस्पताल का सहारा लिया जा सकता है।